जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अम्बेडकर आज सैन फ्रांसिस्को से आप लोगों को एक विशेष संदेश देने के लिए यहाँ पर लाइव आया हूँ। अमेरिकन सिख कम्युनिटी सेंटर ने मुझे यहाँ पर गुरु नानक जी की जयंती के लिए इनवाइट किया था, तो यहाँ पर गुरु नानक जी की जयंती के लिए आने के बाद यहाँ की रविदासी कम्युनिटी अम्बेडकराइट्स आना के लोगों ने 4-5 दिन हम लोग यहाँ पर थे, तो काफ़ी यहाँ पर बातें हुई। और एक इम्पॉर्टेंट संदेश ये देना चाहता हूँ कि आरएसएस ने जिस तरह से, बीजेपी ने जिस तरह से पूरे भारत की व्यवस्था पर कब्जा किया है, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में इस बार तुलसी गबार्ड नाम की कैंडिडेट यूएस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़ी की जा रही है, जो आरएसएस से बिलोंग करती है, तो आरएसएस अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने पैरों को फैलाने की कोशिश कर रही है। मैं ये विनती करूँगा से बहुजन टीवी से कि ये न्यूज़ आप लोग अपने चैनल पे चलाएं, और आरएसएस अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से हमारे हक और अधिकार, जहाँ पर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ के दरवाजे हमारे लिए किस तरह से बंद कर रहे हैं, ये आप लोग समाज के सामने लाओ, देशवासियों के सामने लाओ। मैंने आप लोगों को तभी कहा था कि भारत का प्रेसिडेंट खुद धक्के खा रहा है, तो भारत से हम लोगों को न्याय की, जस्टिस की उम्मीद 1% भी अभी नहीं रही है। लेकिन इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे लोगों में जो लोग बीजेपी के घुसे पेटे हैं, वो भारत के लोगों को इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की समस्या भारत में ही हल हो सकती है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ लोग, बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, जो रास्तों पर आंदोलन कर रहे हैं, 4-4, 5-5 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, वो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन भारत के लोगों में देने की, अपने अपने चैनल से देने की, अपने अपने प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। देखो, मैं जब यहाँ पर था तब मैं न्यूज़ देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहाँ के जिस तरह से काउंसिल है, ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ के कुछ लोग कश्मीर में वहाँ पर विरोध करने गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। लंदन में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एजिटेशन किया था 18 सितंबर, आई थिंक हम लोगों ने सितंबर महीने में, हम लोगों ने कहने के बजाय, कास्ट वॉच यूके हो, अम्बेडकराइट इंटरनेशनल मिशन के लोग हो, सॉलिडरिटी ग्रुप हो, और मैं भी वहां पर शामिल था, तो हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये सारे मुद्दे वहां पर उठाए थे। और ये उठाने के बाद कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटिश काउंसिल ने इंटरफेयर करने का वहां पर सहमति दर्शाई, और ब्रिटिश काउंसिल ने ये बात इंडिया को कही कि यहाँ पर जो एजिटेशन हुआ है उसमें हम कश्मीर के मुद्दे पर इंटरफेयर करेंगे। तो मोदी ने ये जवाब दिया था कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमारा आपसी मामला है, इंटर स्टेट मामला है, इसलिए यूरोपियन यूनियन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने, ब्रिटिश काउंसिल ने ये बात कही कि ये जो मामला है केवल कश्मीर तक का मुद्दा सीमित नहीं है, ये वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन है, तो इस वजह से ईयू के लोग भारत में आए। लेकिन भारत में आने के बाद जो रिज़ल्ट हम चाहते थे, जिस तरह से मीटिंग होनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता वो हुआ होगा, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत के बाहर आके जैसे बताते हैं कि भारत में सब अच्छा है, तो उसी तरह से ईयू के लोग अगर कश्मीर गए होंगे तो उनको भी ये बताया गया होगा कि कश्मीर में सब अच्छा है। तो फिर भी हम इस एजिटेशन को आगे और लेकर जाएंगे, और मानव अधिकारों की लड़ाई ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छे लोगों से मुझे यहाँ पर जान पहचान हुई, जो यहाँ पर आरएसएस का विरोध खुले तौर पर ब्रिटिश काउंसिल, सॉरी, यहाँ पर जो काउंसिल्स है यूएस काउंसिल्स में करते हैं, और किस तरह से तुलसी गबार्ड का विरोध किया गया, यहाँ पर जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनका विरोध किया गया, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो कुछ लोग आप लोगों को ये बहकाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो मामला है वो इंडिया में ही सॉल्व करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बाहर आने के बाद पहली बार आप लोगों ने अगर 14 अक्टूबर का मोहन भागवत का स्पीच सुना होगा, तो मोहन भागवत कहता है कि भारत से कुछ लोग बाहर जाकर आरएसएस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस का स्पीच आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये सारा आज मोहन भागवत हमारे ऊपर क्यों कह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि
आरएसएस को अगर कहीं रोक सकते हो तो वो भारत के बाहर से रोक सकते हो। इसलिए हमारे जो लोग इनकी दलाली कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ है कि भारत के बाहर से आवाज़ उठना शुरू हो रही है। अब मैं दिसंबर के महीने में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस में जिनेवा में जा रहा हूँ, जर्मनी में जा रहा हूँ, उसके सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग इस बात को रखने जा रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर मुझे लेकर भारत के बहुजनों में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में, एससी एसटी ओबीसी के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अपने फेसबुक पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस होटल में रहा करते थे उस होटल का फ़ोटो मैंने खींच कर मेरे फेसबुक पे शेयर किया और ये कहा कि जब भी बाबा साहब लंदन आया करते थे तब इस होटल में रहा करते थे। अब उस फोटो को इस तरह से बताया जा रहा है कि देखो राजरत्न अंबेडकर आईसीजी में खड़ा है, ऐसा पोस्ट डाली जा रही है, और आईसीजी की बिल्डिंग ऐसी नहीं है और आईसीजी की बिल्डिंग वहाँ पर दिखाई जा रही है। तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि राजरत्न अंबेडकर आईसीजे में गया है। मैं वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने गया हूँ, मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने गया हूँ, मैं यूएन हेडक्वार्टर के सामने गया हूँ। तो ये सारा भ्रम आप लोगों को फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं कि आईसीजे में हम गए हैं। हमने तो ये पिटीशन पब्लिक के लिए ओपन की है कि पब्लिक ने उसको डालना है। केवल राजरत्न अंबेडकर अकेला ये फाइट नहीं लड़ सकता, इसके लिए बहुत बड़ी मास मूवमेंट खड़ी करनी होगी और 10 लाख पिटीशंस हमको यूएस के उस कमीशन के सामने रखनी है जो सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। तो हम लोगों को उसके सामने अपनी पिटीशंस जो मैंने लिंक शेयर की है उसमें से ज़्यादा लोगों को डालनी है, क्योंकि एक राजरत्न अंबेडकर की पिटीशन को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसको मास मूवमेंट में बदलना होगा और इसको मास मूवमेंट ना बनाई जाए इसलिए कुछ एजेंट्स छोड़े गए हैं जो लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं जो मूवमेंट चला रहा हूँ इस मूवमेंट से हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। कल को यहाँ पर यूएस से भी आवाज़ उठनी शुरू होगी और उस तरह के बंदे हम लोगों ने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं जो यहाँ से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी लंदन के लोग वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे और अब मैं जर्मनी में जा रहा हूँ तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने भी हमारे लोग आवाज़ उठाएंगे। मैं भारत में रहता हूँ तो भारत में हम लोग जब यहाँ पर रहेंगे तो हमारी आवाज़ भारत के बाहर से उठेगी। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो व्यवस्था है इन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा है, इन्होंने बुद्ध को नहीं छोड़ा है, तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये लोगों तक जानी चाहिए, पता होनी चाहिए। आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, जिसका साथ दे रहे हो, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह का बंदा है, वो अंडर द टेबल किसी के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये सारा बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये आप लोगों तक आनी चाहिए क्योंकि आप वो लोग हो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मुझे कोई कांग्रेस का आदमी या बीजेपी का आदमी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरी मूवमेंट मास मूवमेंट है अंडर द टेबल। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेकर ये काम नहीं कर रहा। एक एक रुपया जो मैं आज मुझे दिया जा रहा है ये लेबरर्स दे रहे हैं, ये वर्कर्स दे रहे हैं, मेरे आईएएस ऑफिसर्स दे रहे हैं, मेरे जजेस दे रहे हैं, ये सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये आप लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर भ्रमित करके इस मूवमेंट को ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे एक आदमी भी हो तो भी मैं ये मूवमेंट करूंगा, क्योंकि ये मूवमेंट मेरे आने वाले जनरेशन्स के लिए है, उनके हक और अधिकार को बचाने के लिए है। अगर आज हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हमारे लोगों को अब आइसोलेशन में भारत में बंद करके पीटने की व्यवस्था आरएसएस ने ऑलरेडी बना दी है और वो काम हो रहा है। किसी बंदे को शादी में जाने के बाद कुर्सी पर अगर बैठता है तो उसको पीट पीट कर मार डाला है। दो बच्चों को रास्तों के ऊपर सोच करने पर पीट पीट कर मार डाला है। तो ये सिविल वॉर इंडिया में शुरू हो चुका है। अगर इसमें हम लोगों को कहीं न्याय मिल सकता है तो वो केवल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ही मिल सकता है। जो लोग आप लोगों को ये कहने की कोशिश करेंगे कि भारत के बाहर से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भारत के बाहर बहुत बड़ी व्यवस्था आज भारत के लोगों के पीछे खड़ा करने का काम मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से इस मोमेंट को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत खतरों का सामना करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। मेरी चर्चा सनातन वर्गों में शुरू हो चुकी है। किस तरह से मुझे नहीं पता मुझे कितनी लाइफ मिलेगी, लेकिन जितनी भी देर में ये
काम करने वाला हूँ, कल को अगर मेरा एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, क्या होता है, तो इसके पीछे केवल और केवल आरएसएस ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि मेरी बातों की मेरा नाम वहाँ पर लिया जा रहा है, सनातन ग्रुप्स में मेरे चर्चा वहाँ पर चल रही है, मेरे फ़ोन जो मेरे फ़ोन है ये टैप है, और बहुत बड़े पैमाने पर मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं किस से बात कर रहा हूँ, ये सारा मॉनिटर हो रहा है। कल को किसी भी केसेस में हमको अगर फंसाया जाता है, किसी भी एक्सीडेंट्स में मरवाया जाता है, तो इसके पीछे केवल आरएसएस होगा। बहुत बड़े मुझे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं कि आपकी मूवमेंट रोक दो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं ये मूवमेंट करता रहूँगा, इसी मूवमेंट में मैं चलता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे आने वाले जनरेशन्स के लिए है, मेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए है, सारे मेरे लोगों के लिए है। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा, बहुत बड़े पैमाने पर अब मुझे टारगेट करके सारे जो मैं अगर बीजेपी आरएसएस का टारगेट हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बहुजनों के इसमें ये लोग जो आगे आकर विरोध करने का काम करने वाले हैं, इसमें आप लोगों को सतर्क होना है। और जिस तरह से आप लोग इस मूवमेंट को मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही मूवमेंट का सपोर्ट मुझे आप लोगों के पास से मिले, मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भारत के पीछे है। आज कश्मीर के लोगों के पीछे EU खड़ा हुआ है, ब्रिटिश काउंसिल खड़ा हुआ है, ऐसे ही ये ब्रिटिश काउंसिल शेड्यूल कास्ट के लोगों के पीछे, SC ST के लोगों के पीछे, मुसलमानों के पीछे, सिखों के पीछे खड़ा हो, यही कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे इसी तरह से साथ सहयोग दीजिए, आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।